अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं कुछ वैकेंसी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें कैशियर है, सिक्योरिटी गार्ड है और इसके अलावा जो है ड्राइवर की वैकेंसीज आई हैं। और ये वैकेंसी कहां पर अवेलेबल हैं, किस ईमेल एड्रेस पर जो है अपनी सीवी को फॉरवर्ड करना है और इसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी आप दोस्तों के साथ जो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो शॉर्ट सी वीडियो है, कम्प्लीट वीडियो देख लीजिए। ऐसे मेरे भाई जिनका स्पेशली इन फील्ड में एक्सपीरियंस है, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की मजीद वीडियो अगर आप जो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो आप दोस्तों को बताता चलूँ कि सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन ड्राइवर में अभी क्या है कि यहाँ पर इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पिटिशन चल रहा है। जिस तरह स्टार्टिंग में बाइक राइडर में बहुत ज़्यादा ड्राइवर हो गए थे बाइक राइडर के, अभी जो है इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि कम जो है सैलरी में भी इसमें जॉब कर रहे हैं। जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं हो जाता उस वक्त जो है बहुत कम चांसेस है कि आपको जो है यहाँ पर कुछ अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जो वैकेंसीज आई हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और किस ईमेल एड्रेस पर जो है आपने अपनी सीवी को शेयर करना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी का नाम है कैश ट्रांस और यहाँ पर इनको जो है इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, हायरिंग चल रही है। सबसे पहले नंबर पर जो रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशन है सिक्योरिटी गार्ड की, वो मैं आप दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देता हूँ। पहले नंबर पर आपकी जो है हाई स्कूल की डिग्री है, ठीक है, आपने इसको मस्ट जो है टेस्ट करवाना है। दूसरे नंबर पर मिनिमम आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम रोल में और यूई में, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये लाइसेंस होने चाहिए, पीएसबीडी और सीरा का लाइसेंस होल्डर, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। चौथे नंबर पर है एक्सपीरियंस एज ए कैश इन ट्रांजिट गार्ड इज़ प्रेफर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपका जो है ट्रांसिट गार्ड में इस तरह का एक्सपीरियंस है तो वो बेटर है, अदरवाइज इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल है अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है ड्राइवर के हवाले से सेम उन्होंने इसी तरीके से मेंशन किया है, आपके हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है आपने उसको टेस्ट करवाना है और मिनिमम 2 ईयर का आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए यूई में और आपके पास जो है यूई का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए जो कि मैनुअल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है पीएसबीडी और सीरा का लाइसेंस, इसमें भी आप दोस्तों के पास होना चाहिए और इंग्लिश की जो स्किल है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में कैशियर के मुतालिक जो डिटेल है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, आपकी जो बैचलर डिग्री है कम से कम, ठीक है, आप एफए या अगर पाकिस्तान से है तो बैचलर की डिग्री अगर आपके पास है तो उसको आपने ये टेस्ट मस्ट करवाना है अगर आपने ये जॉब करनी है तो। इसके बाद ठीक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको पता होना चाहिए किस तरह उसको यूज़ करते हैं। सेकेंडली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, काम के हवाले से, ठीक है, आपको यूई में कहीं भी भेजा जा सकता है, हो सकता है 2 मंथ कहीं आपको काम करवाएं और उसके बाद आपको किसी और जगह शिफ्ट कर दें। और लास्ट में जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अंडर प्रेशर आप जो है इस काबिल होने चाहिए कि अगर आपके ऊपर प्रेशर भी पड़ता है तो आप जो है काम कर सकते हो। तो फ्रेंड ये थी 3 वैकेंसी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। स्क्रीन पर मैं आपको जो है इसका ईमेल एड्रेस भी शेयर कर देता हूं, आप जो अपनी सीवी को यहां पर फॉरवर्ड करें। सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और कैशियर का अगर आप जो है समझते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, जितना इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इन्होंने यहाँ पर मैंशन नहीं की, ठीक है, वो आप जो है बाद में डिस्कस कर सकते हैं अगर कंपनी आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, होपफुली ये वीडियो आप दोस्तों के लिए अच्छी रही होगी। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन आप दोस्तों के माइंड में हो काइंडली कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।